अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया जी आप सबका ब्रांड न्यू जीरो मीटर व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत स्पेशल डे है आज और बहुत डेज बाद मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। ये मैं व्लॉग के लास्ट पे बताऊँगा, ये इंटरेस्ट है व्लॉग में, ये मैं लास्ट पे बताऊँगा मैं कहाँ बिजी था। तो अभी सुबह का टाइम है, 6 बजे हैं अभी, तो अभी मैं अपने घर से जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से जा रहा हूँ रजा भाई के घर, यहाँ से गाड़ी लूँगा और मेरे सब कज़न्स हैं मेरे साथ और हम जा रहे हैं। या गाड़ी में बैठ के बताएंगे कहाँ बताएं बताओ कहाँ बताएं गाड़ी में बैठ गाड़ी में चले जी रजा भाई के, भी फिलहाल घर चलते हैं तो भी हम वहाँ पहुँच के ही आपको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। कमो की कर रहे हैं कमो की पोनी बहुत क्यूट है। आ जाओ यार, यार मौसम भी माशाल्लाह हल्की हल्की ठंड हुई है। कमो पिछे छब्बर जाफरी लग रहे कमो लग रहे हैं कि नहीं सही दस जी। हम पहुंच गए हैं रजा भाई के घर, तो अभी गाड़ी निकालेंगे बाहर। पहले तो इन्हें सोए हुए हैं सभी, इन्हें उठाना पड़ेगा बड़ी कोशिश के साथ। देखो इधर शायद कोई सोया हो। चलो ओए 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 नाश्ते भाई बर्गर होता पीला तो नहीं ना है। अभी हैदर भाई सोए हुए थे तो उन्हें उठाया है। हैदर भाई अभी फ्रेश होंगे तो हैदर भाई को भी साथ लेना है, हैदराबाद भाई को, तो फिर साथ लेके फिर निकलेंगे और आपको गाड़ी में बैठ के ही बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। हैदराबाद भाई को भी अभी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, तो गाड़ी में बैठ के बताता हूँ आपको जी। फाइनली हम निकल पड़े हैं, हैदराबाद भाई हमारे साथ हैं, तो बबल है, कमो है अली हमजा और ये मेरा कज़न है वसीम अब्बास बियाँ खां। ये दोनों मेरी पप्पो के बेटे हैं, वसीम अब्बास और आसिफ अली। और हैदराबाद भाई आपको पता है हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, आपने मुझे सुबह सुबह आगे उठाया, पहले तो मैं डर गया। अच्छा हैदराबाद भाई हम जा रहे हैं बू अली कलंदर। माशाल्लाह नारा हैदरी हैदर। आफ्टर वेरी 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 लॉन्ग टाइम हम सब कजन्स इकट्ठे हुए हैं और अभी तो जरा सफर का आगाज हुआ है। इंशाल्लाह आप साथ जुड़े रहिएगा, आप बहुत बहुत एंजॉय करेंगे। ऐसे ही है जी हैदर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी जरा ये लड़के पान शान लेने के लिए रुके हैं, तो हवा वगैरह भी डलवा रहे हैं, तो अभी यहाँ से पेट्रोल वगैरह डलवाएंगे तो फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। सुबह का टाइम है तो जिक्र भी होना जरूरी है। चले जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अभी हम सब भाई कसीदा पढ़ेंगे। नारा हैदरी जोड़ी जी बेया, जोड़ी जी बेया अली तेरी जोड़ी जी बे, जोड़ी जी बेया अली तेरी जोड़ी जी बे, दुनिया बिच तमाला पाके हो पीर अली दे नारे लाके, आके मुर्शद लाल ने अली तेरी जोड़ी जी वे, अली तेरी जोड़ी जी वे, आखे लाल सोना लाल, आखे लाल सोना लाल। सड़ दिन जड़े तेरे बाबे अली तो, सड़ दिन जड़े तेरे बाबे अली, जी हम चनोट में एंटर हो गए। माशाल्लाह 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 जी हम पहुंच चुके हैं और ये देखें जरा चेयरलिफ्ट भी यहाँ मौजूद है। ओए होए होए बहुत ऊंचाई है। हाँ जी भाई इधर जाना है।
चलो पर्ची ले ली, पर्ची पर्ची ले देना मैंने। ये देखिए जरा कितना अच्छा माहौल है माशाल्लाह। कर लिया कर लिया। बंद कर दरबार से बंद कलंदर। ये चन्यूट में है, हमारे फैसलाबाद के करीब ही है चन्यूट, बल्कि फैसलाबाद में ही आता है ऐसा ही। जी जी फैसलाबाद में, जिला फैसलाबाद ही है, जिला फैसलाबाद। तो नहीं जिला झंग बनता है इसका? नहीं नहीं झंग भी फैसलाबाद में ही है सर। भाई चन्यूट का जिला झंग बनता है या फैसलाबाद? फैसलाबाद झंग बनता है यार, झंग बनता है। मेरा शहर चन्यूट, जिला झंग से जाना ऐसा ही है। तो झंग बनता है लेकिन फैसलाबाद के बिल्कुल करीब ही है, तकरीबन कोई आधे घंटे की ड्राइव पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँचे हैं। तो हजरत बू अली कलंदर सलाम करने के लिए हाजिर हुए हैं। सरकार सबकी हाजात पूरी करें और आप सबके लिए भी मैं दुआ करता हूँ, मौला आप सबको हमेशा अपनी पनाह में रखें। जितनी बेटियाँ बहनें मेरी हैं उन सब के मौला नसीब अच्छे करें, इलाही आमीन। जितने भी बीमार हैं मेरी दुआ है कि मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े उन सबको मौला शिफा याब करें, इलाही आमीन। तो आ जाए अभी अंदर चलते हैं। सरदार कलंदर सर, कितना यहाँ सुकून माहौल है, हैं अली हमजा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है भाई, बहुत सुकून फील हो रहा है। बेटा आप कैमरामैन बनो अली हमजा को आने दो। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, पहले वजू कर लेना चाहिए या अपने हाथ वगैरह धो ले। जी जी हां ये भी लाफ, मैं पहले ही वजू में हूं। जी 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 अभी अंदर जा रहे हैं दरगाह पे। जी ये सरकार का शजरा है, तो आप सब यहाँ पॉज करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जी सरकार को आली मदद कर ली है और अभी ज़रा यहाँ घूमें फिरेंगे। आ जाए अभी बहुत इंजॉय करना है। अभी एक और इंजॉय दिखा आपका, ये विलेजेस में होता है ऐसे पानी का। ये ज़मीन का पानी होता है, हमारे बहुत से लोग नहीं जानते इसे नलका बोलते हैं। ये विलेजेस में ही होता है। वाह ये डक्की भाई का शोर है, इग्नोर कीजिएगा। हम सब भाई इकट्ठे हुए हैं और आज हमने बहुत इंजॉय करना है इंशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं दरिया की तरफ, दरिया है समुंदर है क्या? दरिया दरिया। अभी दरिया की तरफ जा रहे हैं हैदराबाद भाई और अली हमजा तमू और बिया, ये सब पहुंच गए। मेरा भी दास बबल मेरे साथ साथ है भी समुंदर ही, ये भी समुंदर ही। दरिया दरिया समुंदर दरिया, ये दरिया है इसका किनारा कोई दरिया है जनाब, पानी ना है ना पानी उड़ गया तुम सिंधु नदी में जा। मैं बहुत बहुत ये दलदल खान साहब सोनू, मैं जिन्होंने पैर लगे ने सो अजी चेक करो जरा जिन लग रहे ने।
जुत्ती छोटी हो गई पहाड़ा चढ़ी सा पहाड़ पे ने हरियाली दिखाओ जरा क्या बात ताड़िए बहुत खूबसूरत पहाड़ है। अभी पहाड़ पे जाना है? अभी पहाड़ पे जाएंगे। ना यार चढ़ेंगे भाई तो देखें करके गए सांस चढ़ गया बहुत ज्यादा क्योंकि काफी ऊंचाई है तो हमने अभी तय की है अभी लिफ्ट की तरफ जा रहे थे हैदराबाद भाई भी थक गए बहुत ज्यादा थक गए लेकिन अभी और ऊपर जाएंगे चलें क्या ये दिखाना जरा वाह क्या बात फाइनल साल चले नवा मंकी मंकी भाई क्या कर रहे हैं देख लें आप बड़े आप साथ आए बात है भाई देख लें यार आपके होते हुए ये क्या हरकत है सोनू भाई ने 50,000 रुपया खर्चा किया अपने कजना ते मोला पेंशन पा इन्होंने अपने हिफ्ज़ो मान च रखे मोला पेंशन पा के सेहत तंदुरुस्ती दे बहुत अच्छी चिल कराई है सोनू भाई ने सानू सोना मालक मेरे वीर की खैर करे मोला पंच ने पास से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऊंचाई पे हैं दिखाना यार जरा बहुत ज्यादा ऊपर आ गए इधर से भी दिखाओ इस साइड से मैं नीचे पैर मत मैं ना चढ़ दी ऊंचाई बहुत ज्यादा है और हमें अली हमजा की टेंशन है आपने भी इसके लिए दुआ करनी है बहुत छोटी सी एज में नजरे बद की वजह से इसे हार्ट अटैक हुआ था तो हमें इसकी प्रॉब्लम है हम इसे कहीं जा रहे हैं कि अली हमजा भी हम चलते हैं नीचे चलते हैं कहता कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ माशाल्लाह मौला ने हिम्मत दी है इसे ताकत दी है लेकिन इनफ ठीक है अभी यहाँ से हम जैसे मेरे भाई देंगे वैसा ही होगा इंशाल्लाह अभी हम सब भाई मिलकर मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कसीदा पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद
ਮੈਂ ਮਲੰਗ ਹਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਲੰਗ ਹਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਯਾ ਅਲੀ ਏ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਮੈਂ ਮਲੰਗ ਹਾਂ ਯਾ ਅਲੀ ਦਾ ਸੁਣ ਮੌਜਜ਼ੇ ਅਲੀ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮੌਜਜ਼ੇ ਅਲੀ ਦੇ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਤੂੰ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਬਣ ਅਲੀ ਦਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਏ ਤੋ ਲੈ ਤੂੰ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਬਣ ਅਲੀ ਦਾ ਜੋ ਲੈਣਾ ਏ ਤੋ ਲੈ ਤੂੰ ਲਜਪਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗਦਾ ਲਜਪਾਲ ਸਾਰੇ ਜਗਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਏ ਵਲੀ ਏ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਅਭੀ ਹਮ ਵਾਪਸੀ ਕੇ ਲੀਏ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਹੈ ਤੋ ਮੌਲਾ ਲੀਲਾ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਹੀ ਹਮ ਅਭੀ ਨੀਚੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਆ ਜਾਏ ਭਾਈ ये कॉर्न है जिसे पंजाबी में छली कहते हैं मकई ये मकई इसे सूखने के लिए यहाँ रोड पे उन्होंने लम्हे पाया है पाया हुआ है ये हमें बहुत चिल करा रहे हैं हमारे मौसम भाई सोनू भाई अल्लाह ताला इनको ये देखो इधर दरिया चल रहा है इधर भी दरिया चल रहा है बहुत मजा आ रहा है यार अल्लाह की कसम बहुत चिल का मजा आ रहा है यार चिल का मजा आ रहा है मेरे भाई हाँ चिल नहीं कर रहे हम चिल का मजा आ रहा है मैंने बड़ी साल की है माशाल्लाह माशाल्लाह मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ अल्लाह ताला की सुभान अल्लाह अल्लाह की कुदरत मैंने बड़ी सैल की है पर ऐसी सैल नहीं मैं कभी की अल्लाह की तो बहुत मजा आ रहा है जी आज का चैलेंज है आसिफ भाई और वसीम भाई और इन दोनों का चैलेंज है देखना है कि सबसे पहले गाड़ी हमारी गाड़ी वहाँ पार्क है तो वहाँ गाड़ी तक पहले कौन पहुँचता है जो पहले पहुँचा उसे मेरी तरफ से 10,000 इनाम 1, 2, 3, GO आसिफ वसीम हार गया इस चैलेंज को और आज के विनर है आसिफ बहुत अच्छा व्यू है अभी आसिफ और वसीम ये दोनों बोट की राइड लेने लगे हैं हैदर भाई आप भी जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं तीनों हम साथ में बुलाना है अच्छा जी तीनों मैं तो नहीं ले रहा बबल आ जाए आप भी बहुत अच्छा व्यू है माशाल्लाह जब से आए हैं पहला व्यू है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा हैदर भाई आप तो बैठने लगे थे मुझे भूख लगी है चलो कोई बात नहीं आए चलो फिर मौला ही मौला चले चले बैठे भाई ब्लॉग ने पावर दिया इधर भाई को पान रहन दो पान आ जाओ नहीं दिल कर रहन दो पान नहीं पान आ जाओ चले अल्लाह खैर बेड़े पार जिंदगी रही से मिलांगे नहीं थे फिश रख फिश पकड़ने लगे यार ये कैसे पकड़ी है भाई आपने वाह मजा आया अरे वाह भाई वाह माशाल्लाह
ਉਹ ਨਾ ਪੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸੇ ਕਿਹਦਾ ਰਹਾ ਆਪਕਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਟ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਰਹਾ ਬੋਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਗਹਿਰਾਈ ਥੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ ਥੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਹੈ ਦਰਿਆ ਚਲਾ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਕੀ ਹਰਕਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ मच्छी का भी और मेरे भाई का भी और किश्ती का भी और बिया भाई का भी बिया भाई मजा आया यार अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी में पहली दफा इतनी सैल की है हकीकत में बहुत मजा आया इटली की है फैसलाबाद में नहीं की यार बहुत सैल की है मैंने ऐसी सैल कभी नहीं की क्यों मैंने खुद आप फिश पकड़ी है वाह जब बहुत ज्यादा थक कर अभी हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं अभी हम घर के लिए निकलेंगे फैसलाबाद के लिए बल्कि नाश्ता करते हैं मैंने भी कुछ नहीं खाया ओके भाई भूख लगी है आप सबको लगी है ना जी जी ठीक है अभी नाश्ता करते हैं फिर घर निकलते हैं जी अभी वहाँ से निकले तो मेरे माइंड में आया कि चन्योट में हमारा बहुत प्यारा भाई शागिर्द मेरे अबू का शागिर्द है अली अब्बास और माशाल्लाह बहुत सुरीला है तो मैंने सोचा फिर कॉल करूं और नाश्ता अली अब्बास की तरफ से करते हैं तो मैंने कॉल की ये माशाल्लाह बहुत जल्द ही पहुंचा है हमारे पास थैंक यू सो मच यार नहीं ये इनका बहुत बड़ा पन है और मेरी ख्वाहिश थी कि कभी ना कभी मैं उनको बुलाऊं अपने पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मौला ने कबूल की और इनका शुक्रगुजार और पूरी टीम पूरे दोस्तों का आप सबका शुक्रिया कि मेरे पास आए और कोशिश करूँगा जितनी खिदमत हो सके बाकी मिली है यही बहुत अल्लाह सलामत रखे अभी खाना शाना खा कर अली अब्बास ने माशाल्लाह बहुत अच्छा नाश्ता करवाया अल्हम्दुलिल्लाह तो भी अली अब्बास ने कहा है कि आप मेरे घर आए फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ अली अब्बास के घर तो अभी मिठाई भी उसने दी है तो भी वहाँ उसके घर जाके मिलता हूँ आपसे जी अभी अली अब्बास के घर आए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि इसने प्रोजेक्ट भी लगाया है स्टूडियो का माशाल्लाह बहुत अच्छा है दिखाओ ज़रा यार बहुत अच्छा यार माशाल्लाह करंट पे गए लॉजिक पे भी काम कर रहे हो जी जी लॉजिक पे भी लेकिन म्यूजिक की दुनिया में अगर जिसने ज्यादा जल्दी अरेंजमेंट करनी है वो लॉजिक आसान है आजकल के लोग में ज्यादा प्रेफर करते हैं लॉजिक लॉजिक बस वो एक मेथड बन गया और अभी तक वही शराब स्टूडियो वाले अंकल इशफाक साहब लेजेंड है उनसे यही मेरा डिस्कस हो रहा था तो उन्होंने बताया कहते कि यार अभी क्यूबेस अभी हमने तकरीबन उसे पूरा नहीं यानी देख अभी देख पाए तो हम लॉजिक की तरफ क्या करने जाएंगे बिल्कुल ऐसे अभी वो ही नहीं खत्म हुआ बहुत बड़ा क्या बहुत बड़ा क्यूबेस अच्छा साजी ये जैसे कि मीड में होता है साजी हाँ अब मैं आपको Approximately 10 hours later. जी मैं घर आ गया था और आकर मैं सो गया था और 10 घंटे बाद अभी उठा हूँ बहुत ज़्यादा सो लिया है बहुत ज़्यादा थक भी गया था तो अभी उठा हूँ तो घर वाले कह रहे हैं कि बाहर खाना है पिज्ज़ा खाने का मूड है तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ तो फास्ट फूड का ही अभी करते हैं ब्रेकफास्ट चलें जी निकले आ जाएं चले अभी मैं गाड़ी में जाके मिलता हूँ आपसे आप कहाँ जा रही हो मेरे साथ चले जी आ जाएं जल्दी जल्दी अभी अंदर आया हूँ और बहुत मुश्किल से आया हूँ बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है और बारिश का मौसम है अंधेरी बहुत ज़्यादा अभी बहुत मुश्किल से अंदर आया हूँ गाड़ी पार्क करके
क्या नजाम है भाई? कम बहुत खराब है मौसम, हवा बहुत तेज चल रही है, वो आंधी टाइप ही है समझ लें, बहुत बुरी सिचुएशन है। सर कैसा लग रहा है सानू आप इस टाइम हम बाहर आए हैं? कहाँ हैं हम? पिज़्ज़ा खाने। वाओ, आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे? ऑर्डर भी आ गया। मैं तो खाऊंगी। खाओगे आप? चलो मैं भी खाता हूँ, फिर उसके बाद व्लॉग बनाते हैं, ठीक है? पहले खाना खा ले फिर व्लॉग बनाएंगे। ओए ओए, फुल ठंडी हवा, बारिश हो रही है, फुल ठंडी हवा है अली हमजा जी, फुल ठंडी हवा, फुल फुल चिल माहौल है जी, क्या कहने यार, वाह वाह वाह। बैठो बस चलें जल्दी जल्दी। जी मैं अभी घर आया हूँ। मैंने व्लॉग जब स्टार्ट किया था तब मैंने एक बात बोली थी कि एक सरप्राइज है आप सबके लिए, वो आप सबको लास्ट पे बताऊंगा, वो भी मैं आपको सरप्राइज बताने लगा हूँ। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा सब्र। अभी आप सबको मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, क्योंकि सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। इंशाल्लाह आप सबको अच्छा लगेगा और आप खुद सोचेंगे कि यार कैसा भाई ने सरप्राइज़ दे दिया। सो प्लीज़ मेरे लिए काइंडली मेरे लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यार, इतना वेट ना करो। नहीं नहीं नहीं, वो सब हमें प्यार करते हैं, हम हमारे साथ बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? हमारी बात मानेंगे इंशाल्लाह, और उनको खुद मज़ा आएगा जब वो वेट करेंगे, उनको सरप्राइज़ मिलेगा तो उनको खुद पता चलेगा कि नहीं यार ये सरप्राइज़ ऐसे ही बनता है। चलो यार मैंने अपने भाई की बात मान ली है। कितने डेज बाद बताएं? पूरे दो दिन बाद। दो दिन बाद अपने मुंह से बताना? मैंने खुद से बताऊंगा, अपने मुंह से बताऊंगा। डन, मेरे साथ हम दोनों ही। डन डन डन, ओके हो गया। और बहुत सारे लोग यार मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और फिर भी वीडियो नहीं वॉच कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है यार, ये बताओ अच्छी बात है? ये बहुत बुरी बात है भाई, बहुत ये दिल दुखाने वाली बात है ना, सच में ऐसे ये इन्हें जरा देख के हम हर्ट होते हैं ऐसे, इन्हें देख के बताना जरा, ये टुकड़े हैं, टुकड़े हुए हैं। ये मेरे हाथ में बज रहे हैं, ये देखे छोटे छोटे से। चलो यार जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अभी नेक्स्ट बहुत बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत बहुत अच्छे, समझ रहे हो ना मेरी बात? अब इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत अच्छे मेरे व्लॉग्स आने वाले हैं और स्टोरीज़ मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर रहा हूं। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है उन सबका शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया हुआ वो सब भी जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम पे आएं, मोहसिन अब्बास 3553। मेरी डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन होगा मेरा इंस्टा, मेरा फेसबुक, मेरा टिकटॉक और मेरा स्नैपचैट, आप मुझे सब वहाँ भी फॉलो करें और आपको वहाँ भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को उनको तो डेफिनेटली मेरी वीडियोस मिलेंगी ही। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।